वहीं अमेठी से राहुल गांधी की दूरी पर बीजेपी ने तंज कसते हुए सवाल पूछा है कि क्या राहुल गांधी को अमेठी पर अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। अमेठी से राहुल की दूरी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कल ही राहुल गांधी को लापता सांसद करार दिया था। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर करारा वार करते हुए पूछा है कि आखिर राहुल अमेठी से दूर क्यों हैं? अमेठी छोड़कर राहुल वायनाड क्यों पहुंचे? क्या राहुल को जीत का भरोसा नहीं? राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र की लोकसभा छोड़कर यहाँ वायनाड क्यों आना पड़ा है? इसलिए आना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के विषयों के बारे में सही आवाज नहीं उठाती है। नड्डा ने राहुल और कांग्रेस पर तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पोषक होने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि राहुल पहले चरण के बाद भी अमेठी से नामांकन का साहस नहीं जुटा पाए हैं, तो वहीं पहले चरण के बंपर वोटिंग में बीजेपी ने लंबी छलांग लगाने का दावा किया है। और महायुति में अभी तक सीट का बंटवारा न होने से छगन भुजबल नाराज हैं, जिन्होंने नासिक से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में टिकटों को लेकर खलबली है। महाराष्ट्र की महायुति में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं होने से एनसीपी नेता छगन भुजबल नाराज हैं। अजीत पवार खेमे के नेता छगन भुजबल ने नासिक सीट से अपनी दावेदारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक लोकसभा सीट से अजीत पवार के एनसीपी की ओर से छगन भुजबल का नाम आगे चल रहा था, हालांकि अब भुजबल ने खुद अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। भुजबल ने कहा कि नासिक सीट को लेकर मामला अभी तक साफ नहीं हुआ है। एमवीए ने 3 हफ्ते पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और प्रचार शुरू कर दिया। हम जितना अधिक वक्त लेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर दरअसल करारा प्रहार करते हुए कहा है कि आतंक की आपूर्ति करने वाला देश आटे के लिए संघर्ष कर रहा है। जरा एक मिनट में पूरी खबर देखिए। भारत में लोकसभा चुनाव का सिलसिला जारी है। केंद्र की मोदी सरकार अपने बेहतरीन कामों को जनता के सामने पेश कर रही है, तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान बीते कई सालों से आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। कल पीएम मोदी ने भी चुनावी रैली में पाकिस्तान पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के दमोह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो देश आतंक की आपूर्ति करता था वो इन दिनों आटे के लिए जूझ रहा है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर काम कर रही है। उनकी सरकार ना तो किसी के दबाव में आती है ना किसी के सामने झुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज अमरोहा में संयुक्त रूप से रैली करने वाले हैं, जहां बसपा से दानिश अली अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिनके लिए आज प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण खत्म हो चुका है। अगले 6 चरणों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। आज अमरोहा में राहुल और अखिलेश कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दानिश अली हाल ही में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीएसपी के टिकट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में दानिश अली ने बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर को 63,248 मतों से हराया था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा और गाजियाबाद की सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए बुधवार को राहुल और अखिलेश ने गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी में अपने चुनावी प्रचार को गति दी थी। अमरोहा में राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली होगी, तो वहीं मेरठ में अखिलेश इंडी गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा के लिए वोट मांगेंगे। 24 के लोकसभा चुनाव में मेरठ में अखिलेश की ये पहली रैली होगी।
मोदी रंग में रंगे हुए हैं। महिला शक्ति की ताकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। क्वारंटीन की जो चली है वो आगे भी पूरी चलेगी। बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। एसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। सबको रोजगार मिले, महंगाई कम होनी चाहिए। काम पे वोट करेंगे। आम चुनाव आम लोगों के बीच, मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन। पूरा इस जनता को सुखी रखना है तो बदलाव अब अनिवार्य है। दिल का अब की बार चुनाव है, दल का चुनाव नहीं है। जमीन से बताएंगे जनमत का मन। सड़कें नई नई बन गई हैं, किसी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। रिपब्लिक पर जनता का मन। और फिर नीचे आ जाता है। जो भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख रहा है वो अंदाजा ही लगा रहा है कि आखिर ऐसा करने में कितनी ताकत लगाने की जरूरत होती होगी। और वहीं कुछ जानवरों की वीडियो भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिसमें कि पेंगुइन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि वो बर्फ में मजे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। दोनों ओर बर्फ की मोटी चादर और बीच में पतला रास्ता, और इन रास्तों पर पेंगुइन्स की ये वॉक हर किसी का दिल छू रही है। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। हल्की बर्फबारी और बर्फबारी के बीच पेंगुइन्स का ये वॉक, पेंगुइन्स एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते और फिसलते हुए आगे निकल रहे हैं। इस वीडियो को देख कर लग रहा है इन रास्तों पर सिर्फ पेंगुइन्स का ही राज है। और अब जिस वीडियो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसको सुनकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि पुलिस सभी को बचाने का काम करती है, लेकिन जरा सोचिए पुलिस के लिए खुद को ही बचा पाना एक मुश्किल हो रहा है। देखिए वीडियो। तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि पुलिस इन लोगों को रस्सी के जरिए कुछ मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इन सबको पकड़ कर ले जा रही है, और जिन्हें पकड़ा गया है ये सभी जुआरी हैं। वीडियो को यूपी के कानपुर का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने सट्टेबाजों के एक अड्डे पर छापेमारी की तो वहां सट्टा लगा रहे 28 आरोपियों को एक साथ पुलिस ने धर दबोचा, और इन सभी को एक साथ रस्सी की मदद से पकड़ कर टेम्पो में भरा गया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर यूजर्स मीम्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और पुलिस का एक और वीडियो सामने आया है। दरअसल 28 जुआरे पुलिस के हाथे चढ़े, लेकिन दिलचस्प तो तब हो गया ये वीडियो जब इन 28 जुआरियों को एक साथ पुलिस साथ ले जाते हुए नजर आ रही है। पुलिस पर हमले की खबर आपने अक्सर सुनी होगी। एक और ऐसा ही मामला फिर सामने आया है। स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को भी यूपी के एटा का बताया जा रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। छत पर खड़ा ये युवक एक के बाद एक ईंट और पत्थर के साथ पुलिस टीम पर हमला करता नजर आ रहा है, और नीचे खड़ा ये पुलिसकर्मी इसमें बाल बाल बचा है, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी हमले को देखकर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को भी अलग अलग हैशटैग के साथ शेयर किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अगला वीडियो जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। क्या है इस वीडियो में खास, जरा देखिए। क्या आपने अपने सामने ऐसा नजारा देखा है? अगर नहीं तो इस अद्भुत नजारे को देखकर आपके मुंह से निकलेगा गजब। नदी में पानी के इस करतब को देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धीरे धीरे नदी का पानी उफान पर आता है और फिर से नदी में मिल जाता है। इस दौरान पानी के रंग भी बदलते नजर आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों लोगों के दिलों को छू रहा है। यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं।